नमस्कार दोस्तों, मैं आज हार्ट रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब देंगे जो अक्सर मरीज द्वारा पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि पल्स रेट क्या होती है, दूसरा पूछते हैं कि घर पर पल्स रेट कैसे चेक करेंगे। ये सब पल्स रेट जो हमारा हार्ट, हृदय, दिल धड़कता है तो आर्टरीज या नब्ज में प्रेशर बनता है जिससे वो फड़कती हैं। इसको महसूस करने से या इसको गिनने से दिल की दर का पता लगाया जा सकता है। पल्स रेट का मतलब होता है कि 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है। इसको इंग्लिश में पल्स रेट, हार्ट बीट और हिंदी में नब्ज या दिल की धड़कन कहते हैं। दूसरा आता है कि घर पर पल्स रेट कैसे चेक करेंगे। हमारी बॉडी में बहुत सारे आर्टरी पल्स पॉइंट्स होते हैं जिनके द्वारा से हम पल्स घर पर चेक कर सकते हैं। हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चेक करने वाली वो है रेडियल आर्टरी, जो इसके द्वारा से घर पर आसान से चेक कर सकते हैं अपने दिल की धड़कन। रेडियल आर्टरी हमारी कलाई में मौजूद होती है, और उसके लिए मैं निशाने मार देता हूँ। ये देखो, ये रेडियल आर्टरी होती है, इसको ठीक अंगूठे से ठीक नीचे, इसको हल्के से 3 उंगली से पुश करेंगे, ऐसे हल्के से पुश करें। उसके बाद में अपनी नब्ज को महसूस करें और घड़ी वाली सुई को लें जो 30 सेकंड तक की अपनी नब्ज को काउंट करे। 30 सेकंड काउंट करे या 1 मिनट में काउंट करेंगे। 1 मिनट में अगर काउंट करे जो 1 मिनट में जो भी आपकी नब्ज मिल रही, मान लीजिए अगर 1 मिनट में आपकी 90 नब्ज मिल रही है तो वो आपकी नब्ज 90 हो गई पल्स। अगर मान लीजिए 80 मिल रही तो वो 80 हो गई। अगर 30 सेकंड तक की काउंट कर रहे हैं तो 30 सेकंड में मान लीजिए अगर 40 मिल रही पल्स रेट तो वो हो गई आपकी 1 मिनट में 80 पल्स रेट हो गई है।